हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेवल्स इंडिया हिदायत के ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों को लेकर के जाने वाला हूँ डायमंड हावड़ा के होलसेल फिश मार्केट में। और ये मार्केट फेमस है हिलसा मछली के लिए, क्योंकि यहाँ पे बंगाल का जो समंदर है वो नज़दीक पड़ता है। और इस मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा तादाद में हिलसा मछली मिल जाएगा, जो कि यहाँ से बहुत अलग अलग शहर में यहाँ से सप्लाई जाता है। हिलसा मछली, पॉम्पलेट, भोला और भी बहुत सारे वैरायटीज़ है, मुझे उतना पता नहीं है, बट मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस मार्केट में। तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे वीडियो में एंड तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चला गया बादल के चक्कर में, बादल लगा नहीं रहता, सनसेट अच्छा दिखता है। बादल तो भी छिप जा रहा है। बोटिंग करने नहीं देता है ना? हाँ, जेटी रोड। तो मैं पहुंच चुका हूँ डायमंड हावड़ा फिश मार्केट के पास, और अब मैं आपको दिखाता हूँ इस मंडी को। बंद करे कर रहा है। चलिए मेरे साथ घूमते हैं डायमंड हावड़ा फिश मंडी। अरे तो रुक गया तब ना पाया, रुक के काम जा रहा हूँ। करोड़ों का ऊपर का बात है भाई।
कहीं नहीं जा रहे भाई। हाँ भाई हो रहा है होच्चे ये डाकर दादा की आया आम्ही तो साइड की गया सागर कोई सागर चल्लिस किलो पाला कैसे दे रहा भाई जिसका जिसका है पैकिंग जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि ये होलसेल फिश मार्केट है, यहाँ पर रिटेलिंग नहीं होता है, तो आपको यहाँ से परचेस करने के लिए मिनिमम 20 kg, 40 kg या 80 kg इस क्वांटिटी में मछली ख़रीदना होता है। आप 2 kg 1 kg यहाँ से आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये होलसेल मार्केट है। तो ये बेस्ट है जो रिटेलर है उन लोगों के लिए, ये मंडी बहुत सूटेबल है, वो लोग ही यहाँ पे आ कर के परचेस करते हैं और इस मंडी पे माल लेते हैं। हाइब्रिड ঘুরতে এসেছি মাছ কিনতে এসেছি সেটাই নিচ্ছি, কত দূর থেকে ঘুরতে এসেছি মাছ কিনতে এসেছি। वही है ना, हाँ
সাই না কোথাও রে भैया बंगला तो समझ में आ जाता थोड़ा, दूसरा दूसरा जगह में तो इसका लग रहा नहीं आएगा माच कंडीशन ना है। बोलता है कि स्मेल आ रहा है, स्मेल आ रहा है, इसी में टूट गया कहाँ स्मेल खुला है ना, नहीं बात समझ रहा है, निकल जा बंद है, ये क्या है, ये शेड बना रहता है अंदर घुसता है, अच्छा है ये से रास्ता है, रास्ता है, स्पेस भी है। आए वैसे ही है लोग का नहीं आया माल, जिससे इसका माल आया है निकल गया है। ये बना अच्छा कर चल यहीं से हो जाएगा, उधर से रिटर्निंग आया चलो বেরোতে হবে, আমাদের কাজে ডিস্টার্ব হচ্ছে।